नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अजीत सिंह उर्फ जग्गा जी आए हैं एमपी से, जबलपुर से। नमस्कार जी, और ठीक ठाक हो आप भाई साहब? कहाँ से आए हो? मैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से? और आप जी? जबलपुर। जबलपुर से? तो जग्गा जी जबलपुर में कहाँ से? ये अपना गोपाल सदन। गोपाल सदन? सदन गोपाल सदन कॉलोनी है। अच्छा, जबलपुर ही, यानी कि जबलपुर में रहते हो आप। तो दोस्तों, जग्गा जी आज जबलपुर से कितना डिस्टेंस है यहाँ से? 1600 किलोमीटर से तकरीबन आए हैं। तो आज इनको 30 बच्चे दिए हैं, तो टोटल जो इनके ग्रुप के हमारे पास 60 बच्चे बुक हैं। जैसे नाजिर भाई जी हो गए और जग्गा जी हो गए, आप दोनों के, है ना ये? तो 30 बच्चे आज इनको दे दिए हैं, और बाकी जो होंगे बच्चे, जो बाकी के बच्चे हैं वो नाजिर जी को नेक्स्ट मंथ देंगे। तब क्योंकि इनको मैंने बोल दिया था एक ही बार में आपको सारे बच्चे नहीं मिलेंगे, निकलवाने में टाइम लग जाता है। ठीक है जी, तो पहले तो मुझे ये बताएं आप जग्गा जी, आपने जो बच्चे लिए हैं, एक बात आपसे मैं दोस्तों पहले कह देता हूं, आप ये टाइम नोट कर लीजिए, 2:42 हुए हैं और 2 फरवरी आज। इससे पहले मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर एक बच्चा डाला है, जिसकी डिटेल मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बता रखी है, क्या उसकी ब्लड लाइन है, कितने वो टूर्नामेंट जीते हुए हैं, उसको आप देख लेना। तो वो भी बच्चा मैं आज जग्गा जी को दिया, अपने खुद ही अपनी तरफ से दे दिया इनको। ठीक है जी, तो ये जो बच्चे आपने कब आने हैं? मई में। मई में तकरीबन टेम्परेचर होगा 40 से प्लस, है ना? 40 से प्लस। कोई टूर्नामेंट भर रखे हैं आपने? टूर्नामेंट भर रखे हैं, यानी कि मैं खुद करा था टूर्नामेंट। अच्छा, खुद करा रहे हो, ठीक है। तो और भी कबूतर उड़ाओगे आप, मद्रासी या कोई सिर्फ यही उड़ाओगे? ये भी उड़ाएंगे, मद्रासी ही रहेंगे साथ। तो पहले दोस्तों दरअसल ये मद्रासी का शौक करते थे, अब इन्होंने पंजाबी का शौक करना है, तो सीधा 1400 किलोमीटर मेरे पास ही पहुंचे हैं। कहीं और से क्यों नहीं लिए आपने कबूतर? आपका नाम सुना था, लोगों ने बताया अच्छे कबूतर। किसने बताया? इन भाई साहब ने, शाहिद भाई जी ने, सीधा बोल गया भाई साहब ने बताया था। नहीं बताया, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, वो तो पूरे इंडिया को पता ना, तो क्या रिजल्ट है क्या है। तो मैं ये सोच रहा दोस्तों, जग्गा जी इतनी दूर से आए हैं, इतना इन्होंने अपनी जोखिम उठाई आने में, कितनी इनको मेहनत लगी, कितनी दूर से ड्राइव कर आए बाय रोड। तो जग्गा जी कह रहे थे बापू जी हमें थोड़ा उड़ाने का, पंजाबी उड़ाने का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसका हमें हेल्प कीजिए। तो जग्गा जी के मैं हेल्प करूंगा दोस्तों, ये जो कबूतर लेकर जा रहे हैं इनको उड़वाऊंगा। देखो इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने जग्गा जी को ये कह दिया था, जग्गा जी आपने कहीं से भी दुनिया से कबूतर कोई ले आए, बिल्कुल दुनिया में कहीं से भी कबूतर ले आए, अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा और आप इनको उड़ाओगे, तो कोई दुनिया की ताकत इनको क्रॉस नहीं कर सकती। कोई भी दोस्त वीडियो को देखकर माइंड ना करे, उसका कारण ये है, आपको पता होगा, मेरे पास कोई 4 बार आया, कोई 5 बार आया, किसी ने कहा बाबू जी 15 घंटे उड़ा, किसी ने कहा 14 घंटे उड़ा, तो मुझे मैं एक कॉन्फिडेंटली इनको जग्गा जी को कह सकता हूँ, अगर आप इनको ले जाकर उड़ाओगे और मेरे मुताबिक इसका थोड़ा देख रेख कर लोगे, थोड़ा इनको मैं आज अपने जो मैं इनको उड़ानों में सामान देना, आज इनको जग्गा जी को मेरे पास रेडी है वो भी दूंगा। तो इस कारण से मैं इनको कह सकता हूँ, जग्गा जी अगर 45-46 डिग्री है तब भी ये 12-13 घंटे तक आराम से उड़ जाएंगे, बिना किसी नशे के, बिना किसी, यानी कि कोई नशा वगैरह कुछ नहीं देना, वो तो मैंने पहले ही कह दिया इनको जब ये आए थे, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो मद्रासी उड़ाते हैं, उनका अलग तरीका होता है थोड़ा, और जो ये पंजाबी हैं इनका थोड़ा अलग तरीका है। इनको दोस्तों उड़ाना नहीं, इनको बिठाना पड़ेगा, कोई भी गोली वगैरह कोई जो देता है कबूतरों को, पता नहीं देता कि नहीं देता, मुझे इस बात का नहीं है ना, बिल्कुल। तो लेकिन कई बार देसी गोलियां होती है, कोई जरूरी नहीं, मैं नशे की बात नहीं कर रहा, है ना, कोई नशे की बात नहीं मैं कर रहा, कोई देसी गोली होती है, कोई अलग अलग उस्तादों के फॉर्मूले हैं, तो सभी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ना। तो ये बात है, चलिए आपको बच्चे दिखाते हैं दोस्तों।
तो ये बच्चे हैं दोस्तों, टोटल 14 बच्चे ये हैं, 16 बच्चे मैं आपको और दिखाऊंगा, 16 और 14 30 बच्चे हैं, और सभी के रिंग डली है दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं सभी के रिंग डली हुई है, और रिंग नंबर के हिसाब से इनको मैं कॉपी पर लिखकर बता दूंगा जग्गा जी को, कौन सा बच्चा कौन सी नस्ल का, कौन सा बच्चा कौन सी नस्ल का, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम जब ये मेरे पास दोबारा आएंगे, या तीसरी बार आएंगे, या चौथी बार आएंगे, या दसवीं बार आएंगे, जो भी है, ठीक है जी, वो इनकी रिक्वायरमेंट से है। जैसे अभी इन्होंने 31 कबूतर उड़ाने हैं, तो अब मैंने इनको 30 बच्चे दिए हैं अभी फिलहाल, तो जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अगर 100 बच्चा उड़ाओगे तो कम से कम 200 चाहिए आपको ना, अगर 31 उड़ाओगे तो कम से कम 60 चाहिए या 50 चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्योंकि हम अगर उड़ाने हैं तो तैयारी पूरी प्रॉपर कर कर चलना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे ये बच्चा है, इसका रिंग नंबर है B10190, ओके। अब रिंग तो सभी की डली, अगर सभी को पकड़ कर दिखाएंगे तो मुझे लगता है टाइम काफी लग जाएगा। तो ये देखिए B10214, B10214, ये जो मेरे पीले कबूतर निकलते हैं उस ब्लड लाइन में से है, B10208, जगह जी एक बात आपने नोट की क्या? आपको 30 बच्चे दिए हैं तब भी इनका रिंग नंबर आपको नजदीक नजदीक ही मिलेगा, यानी कि जैसे 10 150 150 60 150 70 158 5, यानी कि 100-200 के करीब करीब मिलेगा, जैसे मेरे पास बच्चे निकले हैं। तो अगर आपने थोड़ा परख करनी हो, ये बच्चे मेरे घर के हैं के बाहर के हैं, ठीक है जी, तो उसका अगर इसका रिंग नंबर जैसे एक बच्चा 501 हो गया, दूसरा बच्चा 701 हो गया, इसका इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है इसमें, सही है गलत है? सही है, क्योंकि हम रिंग डालेंगे, अगर हम रिंग डालेंगे जो इस लॉट में बच्चे निकले हैं तो पहले उनके डाल देंगे, फिर जो उनके बाद निकलेंगे फिर उनके डाल देंगे, फिर जो उनके बाद में निकलेंगे उनके डाल देंगे, सबके अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हम 200-300-400 रिंग का फर्क होगा, क्या समझे? कुछ समझ आई दोस्तों आपको भी? तो ये बच्चा है, तो कोई भी बच्चा दोस्तों छोटा नहीं है, क्यों जग्गा जी? नहीं, ठीक है जी। तो चलिए और दिखाते हैं आपको। तो 8 बच्चे दोस्तों ये हैं, और 8 बच्चे नीचे, ये 8 बच्चे नीचे हैं दोस्तों, टोटल 30 बच्चे हो गए, ठीक है जी। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8872117070 88 72 11 70 70, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए दोस्तों, देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।